आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और मोटिवेशन की सीरीज में मेरा दूसरा वीडियो है। और बात करते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम में और फिर लास्ट में उसका सार भी देखेंगे और क्या इससे सीखने की चीज़ है। तो बात है एक सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक के टाइम पे सम्राट अशोक जो राजा थे बहुत बड़े, वो जनता के भ्रमण में अपने प्रदेश में भ्रमण के लिए जाते हैं और साथ में कुछ सैनिकों को साथ लेके निकल पड़ते हैं। तो वो घूम रहे थे वो जन अपने प्रदेश के अंदर, कहीं एक वृक्ष था तो उस वृक्ष से नीचे एक भिक्षु बैठा हुआ था, उसको देखा और जो सेनापति थे उनको बोला कि आप रुको वहीं, मैं उनसे मिल के आना हूँ, बुजुर्ग थे उनसे मिल के आता हूँ। तो ठीक है, कुछ वार्तालाप करता हूँ मैं उनसे, कहा ठीक है। तो सेनापति वहीं खड़े रह गए, वो उनके पास गए, उनसे वार्तालाप की भिक्षु से, और लास्ट में जो सम्राट अशोक थे उनको प्रणाम किया, सिर झुकाया और दंडवत प्रणाम करके फिर आ गए। ये सब जो सेनापति थे वो देख रहे थे, उनके सेनापति था, उनको ये बात हजम नहीं हुई। वो सोच रहा था कि जो सम्राट अशोक जिनसे मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कई दूर दूर के मिलने के लिए आते हैं, आज वो एक राजा, महान राजा, एक भिक्षु के सामने, और वो भी जनता पूरी इतनी देख रही है, उसके सामने सिर झुका रहा है। क्या ऐसा कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण है। तो वो पूछने की वहीं कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है, जो सेनापति था, कि यार सबके सामने पूछेंगे तो सही नहीं लगेगा। वो वहीं ड्रॉप करता है उस बात को कि जब महाराज महल में जाएंगे वहाँ पूछूंगा। तो वो शाम को महल में जाते हैं घूम के, और फिर उससे रहा नहीं गया सेनापति से। तो सेनापति पूछता है कि महाराज एक बात बताओ मेरे को, आप इतने महान हो, इतने बड़े हो और लोग बात तरसते हैं मिलने के लिए, आपके आपके सामने झुकने के लिए भी, मतलब तो आप, मेरे एक बात समझ में ये नहीं है कि आप उस भिक्षु में, भिक्षु के सामने दंडवत प्रणाम किया, सर झुकाया, ऐसा क्या था? तो सम्राट अशोक थे हंस के और निकाल दी उस बात को, क्या जाने दे, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी बाद में बताऊँगा। नहीं महाराज बताओ, नहीं नहीं के बाद में बताऊँगा। इस बात को 2-3 महीने हो जाते हैं और 2-3 महीने बाद में सम्राट अशोक को लगता है कि आज है, आज पूछता हूँ। तो उस जो सेनापति था उसको वापस बुलाया और बोला कि, एक थैला दिया उसको और बताया कि इसके अंदर 4 आइटम है, आपको पूरा दिन दिया जाता है और आपको पूरे जो 4 आइटम है उनको बेच के आना है, और शाम को जो थैला है उसको खाली लेके आना है वापस। कि ठीक है महाराज, और ध्यान रखना है खाली नहीं लेके आना है और फेंक के भी नहीं आना। कि ठीक है, वो जाता है महल से बाहर, निकला तो उसके मन में आया कि यार इसमें है क्या, देख तो ले एक बार, इसे क्या बेच कहेंगे। तो उसके अंदर देखा तो उसने देखा कि उसमें 4 सिर थे अलग अलग, एक सिर बकरे का था, एक सिर भैंसे का था, एक सिर घोड़े का था और एक सिर मनुष्य का, यानी इंसान का था। तो वो बेचने जाता है अलग अलग, तो धीरे धीरे कोशिश करता है, तो धीरे धीरे जैसे 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 कसाईखाना आया तो वहाँ के लोगों ने बकरे का सिर ले लिया, फिर जो भैंसे का था वो भी बिक गया, घोड़े का था वो भी बिक गया, लास्ट में जाते जाते इंसान का जो सिर था उसको किसी ने नहीं खरीदा। सेनापति परेशान भी हुआ कि यार महाराज को बोल के आए थे अपन कि ये बेच के आएंगे लेकिन बिका नहीं, सोचा कि चलो ठीक है महाराज बता देंगे, 3 तो बेच ही आए। शाम को आते बताता है कि महाराज 3 बिक गए, 1 नहीं बिका इंसान का। कि नहीं यार, एक काम करना, कल और जाना और फ्री में दे के आ जाना, तो जो बेच के आया था इनको, इसको फ्री में बेच के आ जाना, लेकिन बेच के आना और खाली लेके आना, वापस मत लेके आना। ठीक है, वो गया सुबह उन्हीं के पास गया ऑफिस और बोला कि यार आप इसको फ्री में रख लो, तो लेकिन रख लो इसको, को बोले कि यार ये तो मनुष्य का है, खाली है, खाली सिर है और इसका क्या करेंगे हम, अगर मान लो रख लिया तो कोई मर्डर वर्डर का केस लग जाएगा या और भी कुछ हो सकता है, जिसका है उसको दो ले जाके। तो परेशान हुआ सेनापति, सेनापति वापस आया, महाराज को बोला कि महाराज ये तो नहीं बिका, क्या है? तो इसमें मतलब मैं बेच नहीं पाया, ऐसा रीज़न क्या है? तो सेना जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब बकरे का सिर बिक गया, घोड़े का बिक गया, यहाँ तक कि भैंसे का बिक गया, लेकिन इंसान का सिर क्यों नहीं बिका, ऐसा क्या है इसके अंदर? तो ये समझने की कोशिश करो, सब कुछ बिक गया लेकिन फिर जो सम्राट अशोक थे वो बोले कि ये खाली सिर है, ये किसी के काम का नहीं है, अब आप इसको कहीं पे भी रखो, आप किसी के चरणों में रखो तो क्या कोई बड़ी बात हो गई कि मैंने इसको उसके चरणों में रख दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? महाराज ये समझाना चाह रहे थे, तो महाराज ये समझाना चाह रहे थे उसको कि जो इंसान का घमंड है, ईगो है, अहंकार है, ये इंसान मनुष्य का सिर है, इसको
जिसको चरणों में रखना चाहिए, कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को आज के टाइम पे घमंड है, ईगो है, अहंकार है, इसको सबसे ऊपर रखते हैं अपन। और इसी की वजह से अपन अपने जो हैं दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कलीग हैं, उनसे दूर होते जाते हैं और इसको तवज्जो देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते हैं अपन कि जो घमंड है हमेशा दूरियां ही बढ़ाता है, नज़दीकियां नहीं बढ़ाता है, और ये हमेशा खाली दिमाग की तरह होता है। इसको आप ऊपर रखोगे कुछ नहीं मिलने वाला, आप इसको नीचे रखेंगे, अपन इसको नीचे रखेंगे, झुके रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, खाली है ये, किसी काम का नहीं है। तो ये थी एक स्टोरी पॉजिटिव, और हमेशा अहंकार से दूर ही बचने की कोशिश की, ईगो और घमंड नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर आ जाता है तो आप समझ जाएंगे आप सही दिशा में नहीं है अपन, आता है तो आप समझिए कि हाँ यार आ गया, ठीक है, इसको कहीं पर भी रखो, ये सिर की तरह है खाली, इसको चरणों में रखो, नीचे झुके रहोगे आप बड़ों से, या कहीं पे भी आपकी गलती हो जाती है आप सॉरी बोल दे। अपन को सबसे बड़ा दुख यही होता है कि यार गलती मेरी नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। आप ये चीज़ सोचना, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर है, अगर आपके अपने सॉरी बोलने से अगर उस मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, आपकी गलती नहीं है तो भी सॉर्ट आउट हो जाता, तो इससे बढ़िया क्या बात है। आपकी गलती नहीं है, आपने सॉरी बोल दी, या आपने अपना जो ईगो था उसको साइड में रख दिया, सॉरी बोल दी, तो जो सामने वाला है उसको ज़रूर एहसास होगा कि यार इसकी गलती भी नहीं, फिर भी ये था, तो वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखेगा। ठीक है, ये थी आज की पॉजिटिव स्टोरी, कैसी लगी आपको ज़रूर आप कमेंट करना, और अपने जो दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ऐसी पॉजिटिव स्टोरी के लिए आगे और मिलते हैं, आज और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।